हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुचेता यादव हूँ। मैं SS किडनी एंड न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन लोगों को किडनी की बीमारी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर आप इनमें से किसी भी एट रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आपको अपनी किडनी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। तो सबसे जो प्रमुख कारण है वो है डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर। दूसरा है जिन लोगों को बीपी रहता है, खासकर अगर आपको कम उम्र में बीपी की शिकायत हो रही है तो आपको अपना ज़रूर किडनी का चेकअप कराना चाहिए। तीसरा, जिनको हार्ट की दिक्कत है, हार्ट के सभी मरीजों को अपना किडनी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की या फिर डायलिसिस की तो भी आप रिस्क पे हैं। अगर बार बार पथरी बनती है, पथरी का आपके लिए आप दवाइयां खाते रहते हैं और उसका सही समय पे इलाज नहीं कराते हैं तो भी किडनी में दिक्कत आ सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी एट रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको रेगुलर अपनी किडनी का चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ परेशानी आती है तो नेफ्रोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए। थैंक्स।